Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha, Tasmai Sri Gurave Namaha. Yoga Vasistha mein kahaniyan bahut hai aur कहानियों को पढ़ने में सुनने में मज़ा भी आता है, लेकिन यहाँ आने वाले जितने भी साधक हैं ये अब कई सालों से सुन रहे हैं, इसीलिए कहानियों का सिलसिला हमने कम कर दिया। अब इस योग वशिष्ठ में जो दर्शन के सिद्धांत है उन सिद्धांतों का हम अब चिंतन करेंगे, और इसीलिए वेदांत में तत्व के प्रतिपादन में मुख्य रूप से दो सिद्धांत आते हैं। या तो ये जगत है ही नहीं, या तो ये संपूर्ण जगत केवल परमात्मा मात्र है। दो में से एक पकड़ लो या दोनों पकड़ लो, तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव होगा कि हम यदि जगत को परमात्मा स्वरूप मानेंगे तो उसमें हम भी आ गए, हम तो जगत से अलग है नहीं, तो हमको अपनी इच्छा कभी नहीं होती, इच्छा हमेशा अन्य की होती है। जैसे आंखें केवल अन्य को देख सकती है स्वयं को नहीं, उसी प्रकार से इच्छा अन्य के बारे में होती है। तो जगत को यदि ब्रह्म स्वरूप मानो तो अंतकरण से इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, या जगत को यदि मिथ्या मानो तो मिथ्या वस्तु के लिए मन में इच्छा निर्माण नहीं होती। तो दोनों का तात्पर्य क्या निकला? अध्यात्म का तात्पर्य हम अपने जीवन में इच्छाओं से मुक्त हो जाए, यही मूल तात्पर्य है। अब इस तत्व को बताने के लिए, परमात्मा को समझाने के लिए दो अप्रोचेस आते हैं। एक है जिसको कहते हैं अवच्छेदवाद, और दूसरे को कहते हैं प्रतिबिंबवाद। अवच्छेदवाद माने जैसे आकाश है और एक घट है, तो ये महाकाश जो है उसमें ये घट होने के कारण हमारा ध्यान उस घट के अंदर का जो आकाश है उसको हम घटाकाश कहेंगे। तो महाकाश घटाकाश बन गया। अब जब ये घटाकाश बन गया तो क्या इस घटाकाश के गुणधर्म महाकाश से अलग हो गए? वही हो गए। और यदि ये घट फूट जाता है, टूट जाता है, तो ये घटाकाश निकल करके दूसरे घट में जाता है क्या? माने जब वो घट था तब भी वो महाकाश था, जब घट फूट गया तब भी वो महाकाश ही है। माने ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है। देखो, न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्ता न मुमुक्षुर्वई इत्तेषा परमार्थता। अब ये बात ये अवच्छेदवाद से बताते हैं, लेकिन फिर उसमें ऐसा लगता है तो क्या परमात्मा आकाश के जैसा खाली है, एम्प्टीनेस है? क्या आकाश के जैसा जड़ है? क्या आकाश के जैसा हमसे अलग है? तो उसको मिटाने के लिए दूसरे वाद का प्रतिपादन होता है। उसमें कहते हैं प्रतिबिंबवाद। जैसे पानी में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा तो जो प्रतिबिंबित सूर्य है वहां से भी प्रकाश निकलता है, और जो मूल सूर्य है वहां से भी प्रकाश निकलता है। इसी प्रकार से शुद्ध चेतन सत्ता भी ज्ञानात्मक है,
और यह जो जीव है ये भी ज्ञानात्मक है। तो परमात्मा भी ज्ञानात्मक है और जीवात्मा भी ज्ञानात्मक है। इन दोनों में फर्क ये है, परमात्मा स्वतंत्र है, जीवात्मा परमात्मा पर अवलंबित है। इसी प्रकार से यदि कोई एक उदाहरण से हम तत्व को समझाएं तो संभव नहीं है। ये सब बातें जब हृदय में स्पष्ट हो जाती है तब शास्त्रों के सिद्धांतों का अर्थ हृदय में प्रकट होने लग जाता है। और इसको समझाने के लिए एक ही बात है, अनेक प्रकार की कहानियां बताई जाती हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम यदि तैयार हो इस सिद्धांत को समझने के लिए तब बात समझ में आ जाती है। तो कल हमने देखा था कि मनोविजृंभणम इदम संसार इति सम्मतम जगत दीर्घ महास्वप्न स्वयमंत समुत्थितः। तो यह जो संपूर्ण जगत है ये केवल मन का ही विलास है, यदि मन नहीं तो जगत नहीं। इसमें एक बात जो मन में खटकती है वो ये है, जैसे जिसको दृष्टि नहीं है उसके लिए रूप रंग नहीं, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्या करते हैं, उसके लिए ना हो बाकी लोगों के लिए तो है ना। अरे महाराज, बाकी लोगों के लिए दृष्टि है ना, इसलिए है। दृष्टि तो सर्वसामान्य है, ऐसे नहीं कि पढ़ा लिखा आदमी आंखों से देखता है और अनपढ़ कानों से देखता है। दृष्टि यह व्यक्ति नहीं है, यह अभिव्यक्ति है। और इसीलिए यह जो जगत है यदि मेरे लिए हो तो कोई मतलब है, मेरे लिए नहीं तो क्या मतलब है। जैसे किसी का कोई लड़का हो लड़की हो और वो परेशान कर रहा हो उस माँ बाप को, तो हम लोग क्या करेंगे, हम फिलोसफर बनेंगे। आजकल के बच्चे ऐसे होते ही है, क्यों परेशान हो रहे, नहीं नहीं हम आपके बच्चे, और मेरे बच्चे की बात शुरू हो गया संसार। देखो इसीलिए मनोविजृंभणम संसारम इति सम्मतम, तो यह सभी साधु संतों ने शास्त्रों ने स्वीकार किया है, यह संसार केवल मन के खुलने से ही होता है। और फिर जगत क्या है, जगत दीर्घ महासपन, ये बहुत बड़ा सपना है, और ये बड़ा छोटा इसका भी अर्थ आगे जाके देखेंगे। फिर कहा ये चितः सर्वा समायान्ति संतता सृष्टि दृष्टयः। तो इसी शुद्ध चैतन्य में जहाँ मन का प्रकटीकरण हो गया वहां से सब सृष्टि का निर्माण हो गया, और बहिर्नत किंचन अपि अस्ति, और इस मन के बाहर कुछ भी नहीं है। ये बात इसलिए समझ में नहीं आती कि चिंतन नहीं करते। जैसे एक उदाहरण आता है, वट वृक्ष का फल हम में शायद ही किसी ने देखा होगा, क्योंकि खाने में नहीं आता हो, दिखता भी नहीं, मार्केट में भी नहीं मिलता, लेकिन फल होता है और उस फल को पक्षी खाते हैं। और यदि वो फल केवल जमीन पर गिर गया, सड़ गया, उसमें से बीज निकले और जमीन में पड़े, तो वहां से दूसरा वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। फिर वही फल कोई पक्षी खा ले और खाने के बाद उस पक्षी के पेट से निकल करके टट्टी के द्वारा बाहर आ जाए, और फिर वो बीज जहां भी गिरेगा वहां से वृक्ष निकलेगा। तो इस वटवृक्ष का जो बीज होता है वो इतना चौबारिक होता है कि आप देख भी नहीं सकोगे ठीक से उसको। उस वटवृक्ष के अंदर में, वो उस बीज के अंदर में इतना सारा बड़ा वटवृक्ष है, कोई स्वीकार करेगा। धारण कारण क्या है, वटवृक्ष का आकार हमने धारण किया, देखा इतना सा है, और इतना बड़ा वृक्ष उसके अंदर कैसे आ सकता है। यही बात अपने में देखो, इतने सारे रूप रंग कहाँ है, ये बाहर नहीं है, ये अपने दृष्टि में है। देखो
और फिर रूप रंग अनेक हो गए, दृष्टि एक है। रूप रंग को अनेक गुण हैं, बड़ा छोटा लाल पीला इत्यादि आकार है। दृष्टि को ना आकार है ना कोई रूप रंग है, इसीलिए दृष्टि कारण हो गई और दृश्य रूप रंग कार्य हो गए, और इसीलिए कार्य के द्वारा कारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यदि रूप रंग यहां से निकल जाए तो दृष्टि को कोई हानि नहीं है, यदि ज्यादा रूप रंग यहां आ जाए तो दृष्टि को कोई बोझा नहीं है, क्योंकि जितने भी रूप रंग है ये केवल दृष्टि से ही निकले हुए हैं। समझना कठिन है, आप सुन तो रहे हैं हम, लेकिन स्वीकार नहीं हो रहा, क्योंकि अभी फंसे हैं ना, दृष्टि को समझा ही नहीं। रूप रंग को तो समझ लेते हैं, दृष्टि किसको कहते हैं? जो रूप रंग को प्रकाशित कर रही है वो दृष्टि है। अब इसी प्रकार से जितने इंद्रिय है वो कहां से निकले हैं? वो मन से निकले हैं। इसलिए इंद्रियों के विशेष विषय होते हैं, आंखों के लिए रूप रंग, कानों के लिए शब्द इत्यादि। मन के लिए विशेषता कुछ नहीं है, सभी विषयों को एक ही मन प्रकाशित कर रहा है। तो सभी का सभी जगत इसी मन से निकला है, इसीलिए मन में ही सब जगत है। देखो, इस प्रकार से जब सूक्ष्मता से चिंतन चलेगा तब अपने आप हमको साधना क्या करनी है समझ में आता है। नॉर्मली हम लोग केवल कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। चिंतन करो, अपनी समस्या को स्वयं उसका हल करो। देखो, एक लड़के ने मुझे लिखा, स्वामी जी आपने जो उस दिन कहा सत्संग में वो ठीक तो है लेकिन बड़ा कठिन है। हमने कहा कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, लेकिन कैसा करें फाइंड आउट। हमको प्री डाइजेस्टेड इंट्रावेनस डाइजेस्टेड फूड चाहिए, चबाने के भी चक्कर ना हो, थोड़ी तो मेहनत करो। और मेहनत आदमी तब करता है जब उसका महत्व हमारे हृदय में प्रकट हो गया। किसी चीज का महात्म्य ही नहीं है तो फिर कैसा काम करेंगे हम। इसलिए चित्त सर्वा समायान्ति संतता सृष्टि दृष्टया, तो इसी एक ही शुद्ध चैतन्य तत्व में संपूर्ण सृष्टि निहित है और यहीं से बाहर आती है। भगवान कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। पहले अव्यक्त है व्यक्त है, अव्यक्त है व्यक्त है, माने ना कुछ निर्माण हुआ है ना किसी का नाश हुआ है। जब समुद्र पर लहरें आती है तो निर्माण नहीं है, बाहर से नहीं आती, वो समुद्र में ही है वो, लेकिन अव्यक्त है। फिर वो व्यक्त हो गई और फिर अव्यक्त हो गई। अब ये अपना अनुभव नहीं है क्या? देखो, सो गए माने क्या, अव्यक्त हो गए, फिर व्यक्त हो गए और ये अखंड चल रहा है। इसीलिए ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है। बहिर्न किंचित अप्यस्ति, इसीलिए यह संपूर्ण जगत में जो भी चीज ले लो, पहाड़ नदियां और समुन्दर, सब का सब अपने अंदर ही है। और इसीलिए जब गहरी नींद होती है, जब मन ढक गया है, तो संपूर्ण जगत कहाँ गया? अपने ये तीन अवस्थाओं का विवेक करना ये वेदांत की साधना है। इसको कहते हैं अवस्था त्रय विवेक, इसका विवेक करें। उसके पश्चात एतत् स्वचित्त एवास्ति पत्र पुष्पमिवांकुरे, इसीलिए एक ही तत्व यहाँ मन जो कहा है इसी में संपूर्ण जगत जैसे एक कली में
सभी के सभी उसके पंखुड़ियाँ छुपी रहती है, बाहर आती है। उसी प्रकार से एक ही मन से ये संपूर्ण जगत प्रकट हुआ। फलादिश भारता मेति यथैव बहिरंकुरा बहिरंकुरान बहि प्रकटताम याति तथा पृथ्व्यादि चेतसः। जैसे फल फूल इत्यादि सभी एक ही बीज से बाहर आते हैं, उसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत पृथ्वी इत्यादि अपने ही मन से ही प्रकट हुआ है। मुझे मालूम है आप लोग अंदर अंदर गुस्सा कर रहे हो, मन से इतनी बड़ी पृथ्वी मेरे मन से आएगी? सपने में क्या करते हैं? देखो इसका ध्यान रखना, हम सपने को सपना है ऐसा नहीं देखते। सपना जब चलता है तब उसको हम साक्षात जागृत के जैसे देखते हैं। सपने में कोई दुर्घटना हो गई तो दिल धड़कने लगता है और जगने के बाद भी मैं घबरा गया था। यदि वो झूठ था तो क्यों घबरा गए थे? इसी प्रकार से फलादि स्फारतामेति यथैव बहिरंकुरान बहि ही प्रकटताम याति तथा पृथ्वादि चेतसः। संपूर्ण जगत अपने से ही निकला है। कैवल्य उपनिषद में आता है, मयि एव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याति तद् ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। ये साधना समझदारी कौन कर सकेगा? जो व्यक्ति ये दुनिया से प्रभावित होना बंद हो गया। अब जिसके दुनिया में दिमाग में यही चक्कर चल रहे हैं कि लड़के ऐसे है, बहू ऐसी है, गवर्नमेंट ऐसी है, इलेक्शन ऐसे है, उसके लिए कहाँ ये देखो ना, जो कीचड़ में गंदगी में फंसा है उसके लिए साफ सुथरी का मतलब क्या है? देखो अपने को यहां से सब हटा लेना है। अच्छा महाराज, सत्यम पृथ्वीव्यादि चित्तस्थम नहीं बहिष्टम कदाचन। और असली बात ही है कि जितने भी ये संपूर्ण जगत है पंच महाभूत केवल मन से ही निकले हैं। अब मन से निकले का अर्थ ये मत कर रहा कि ऐसे निकल आए निकल गया है, कोई उसका अर्थ नहीं। मन ही इन सब रूप में प्रकट हो रहा है। यदि ऐसा है तो साधना क्या करेंगे? इसको कहते हैं लय प्रक्रिया। कठोपनिषद में आता है ये विचार, इंद्रियेभ्या परा यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परः, महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। इंद्रियों से सूक्ष्म तन्मात्र है, तन्मात्र से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म वैयक्तिक बुद्धि है, वैयक्तिक बुद्धि से समष्टि बुद्धि जिसको महत्तत्व कहते हैं, महत्तत्व से सूक्ष्म अव्यक्त है जिसको माया या शक्ति कहते हैं, उससे भी सूक्ष्म है शुद्ध चेतन चैतन्य और उसके परे कुछ नहीं, माने पराकाष्ठा। यह मार्ग है, एक पहाड़ी हो पिरामिड के जैसी और जमीन पर चारों कोने पर चार आदमी खड़े हो, उनकी जो दृष्टि होगी और उनका जो दर्शन होगा वो चारों का एक दूसरे के लिए भिन्न होगा। लेकिन जो व्यक्ति ऊपर पहुंच चुका है उसके लिए सब एक ही है। तो मतलब इसका नहीं कि आप कौन सा मार्ग लेते हो, इसका कोई मतलब नहीं कि यहां आप कार में आए हो, ओ हम तो एक्सपेंसिव कार में आए हैं, नहीं हम तो भैया थ्री व्हीलर में आए, नहीं हम तो चल के आए, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है यहां आके जग रहे हो क्या कि सो गए? नहीं तो वहां की जो बची हुई नींद थी यहां पूरी कर गई। देखो पहुंचे कि नहीं ये महत्व का है, और जो अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाता है
विजानन विद्वान भवते नातिवादी, जो अपने स्वरूप पे निष्ठावान हो गया है उसका किसी के भी प्रति, किसी भी वस्तु व्यक्ति या दर्शन के प्रति दुराग्रह नहीं होता। दुराग्रह तभी होता है जब हम अपने दृष्टि से बंधे गए हैं, उसके परे चले जाओ। तो रूपालोक मनस रूपालोक मनस्कार तत्ता काल क्रियात्मकम कुंभकारो यथा घटमिव चेतो हंती करोति च। जिस प्रकार से ये कुंभकार जो होता है कुमार, वो मिट्टी से अनेक चीजें बनाता है, तोड़ता है, बनाता है, तोड़ता है, इसी प्रकार से हमारा मन ही दुनिया की चीजों को बनाता है, तोड़ता है, बनाता है, तोड़ता है। और ये मन कैसे बनाता है इसको जरा सूक्ष्मता से समझे। पहले मन के ये दो भाग समझ ले। एक भाग ये है मन का कि मन विषयों को ग्रहण करने का एक साधन है, उपकरण है। और दूसरा, इस मन ने हमारे देह का आकार धारण किया है और इसीलिए ये आकार युक्त जो मन है ये विचार करेगा हमेशा आकार के संदर्भ से, और मन बिना संदर्भ का विचार नहीं कर सकता। यू रिक्वायर सम रेफरेंस। देखो, अब एक लड़का एक लड़की, इस लड़के ने लड़की को देखा और किस लड़के ने देखा, मन ने देह का आकार धारण कर रहा था, तो मैं माने मैं देह, मैं जीव, मैं व्यक्ति, उस लड़की को देखा, प्यार हो गया, शादी करना निश्चित हो गया, शादी हो गई। फिर वही मन वही आकार फिर समझ में आया, गया गलती करी, फिर डाइवोर्स किया, तो वही मन सब कुछ कर रहा है, अच्छा भी उसी मन ने कहा, बुरा भी उसी मन ने कहा, सच क्या है? इसीलिए जब हम ये मन की गहराई को समझते हैं, लेकिन वो मन जो सबके लिए सामान्य है, सामान्य मन के कारण ही जीवन चल रहा है, जो चेतना है, जब तक चेतना है शरीर में तभी तक जीवन है। तो यह मन जो है वही डाइजेशन कर रहा है, वही ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है। तो ये जो सामान्य मन है और ये विशेष मन हो गया व्यक्तित्व का, तो यही मन दुनिया निर्माण करता है, मेरी फ्रेंडशिप है और मेरी दुश्मनी है। उसी प्रकार से यह जो संपूर्ण मन है वहीं से सृष्टि निर्माण होती है और वही वापस चली जाती है। इसीलिए सर्वं संकल्प रूपेण चिच्चमुत्कुरुते चिति स्वप्न पत्र निर्माण पातोत्पात वज्जगत। इसीलिए सर्वं संकल्प रूपेण चिच्चम कुरुते चिति, तो केवल संकल्प से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हो जाता है। देखो, हम कल्पना ही तो करते हैं, एक कल्पना करी ये अच्छा है, दूसरी कल्पना करी ये अच्छा नहीं है, पूरा जीवन इसी में चला जाता है। तो इससे निकलने के लिए क्या करें, बहुत सिंपल टेक्निक आपको बताते हैं, जो है वो ठीक है। वी डोंट वॉन्ट एनी चॉइस, लेसर द चॉइस यू गिव हैप्पियर यू आर, मोर द चॉइस यू गिव मोर मिजरेबल यू आर, जीरो चॉइस नो मिजरीज। इसलिए सर्वम संकल्प रूपेण चिच्चम चमत्कुरुते चिति, ये सब का सब जो है केवल संकल्प के कारण ही इस शुद्ध चैतन्य में ऐसी भिन्न भिन्न चीजें निर्माण होती है, जैसे स्वप्न पत्र निर्माण, जैसे स्वप्न में गिरना उठना, जगत निर्माण करना इत्यादि होता है। बाह्यम न विद्यते किंचित बोध स्फुरति बाह्यवत, बाहर कुछ नहीं है, सब अंदर ही है। जिन्होंने तैतृ उपनिषद का अध्ययन किया है उनको पता है, उसमें बताते हैं, पहला आत्मा अन्नमय कोश,
फिर अन्योन्तरात्मा प्राणमयः, फिर अन्योन्तरात्मा मनोमयः, फिर अन्योन्तरात्मा विज्ञानमयः, फिर अन्योन्तरात्मा आनंदमयः। तो उसमें ऐसा व्यक्ति के दिमाग में बस जाता है कि स्थूल देह जो है वो एक बड़ा बर्तन है, और उसके अंदर में फिर जैसे किसी ने कुछ पोता हो वो हो गया प्राणमय कोश, और उसके अंदर में फिर तीसरा हो गया मनोमय कोश, फिर उसके अंदर में हो गया विज्ञानमय कोश, फिर उसके अंदर हो गया आनंदमय कोश। उसके अंदर में एकदम तिल के जैसा आत्मा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। ये 100% गलत है। इसको करते कहते विपर्यय। विपर्यय माने क्या? हम पूछते हैं ज्वेलर को, भाई इस आभूषण में सुवर्ण है कि नहीं, कि पानी ही पानी है? तो यदि वो वेदांती हो तो क्या कहेगा? नहीं, आभूषण में सुवर्ण नहीं है, सुवर्ण में आभूषण अध्यारोपित है। सत्य क्या है? तो जब हम पूछते हैं सुवर्ण में आभूषण है, ये विपरीत धारणा हो गई। समुद्र में पानी है, ये विपरीत धारणा हो गई। यही अपने में लगाओ। देखो, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, प्राणमय कोश का विस्तार अन्नमय कोश से बड़ा है। देखो, हमारा विस्तार कितना हो सकता है? बेल्ट के 2 छेद और कितना हो सकता है? लेकिन प्राणमय कोश शरीर में ही नहीं, शरीर के बाहर तक भी जाता है। तो आधार हमेशा आधे से बड़ा होता है। तो प्राणमय कोश में अन्नमय कोश रखा हुआ है, इसीलिए जब प्राण निकल जाते हैं तो अन्नमय कोश काम से गया। तो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, इसमें आत्मा कौन सा हो गया? प्राणमय कोश। तो प्राण में शरीर है, शरीर में प्राण नहीं है, इसीलिए कहते ना प्राण निकल गए। अच्छा, उसके बाद ये जो मनोमय कोश है उसमें ये 2 है, अन्नमय और प्राणमय। क्योंकि मन यदि विक्षेपित हो तो उसका प्रभाव एकदम इन दोनों पर पड़ता है। मन शांत हो तो आपके शरीर भी ठीक रहेगा और आपका जितना फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, मेटाबॉलिज्म नॉर्मल चलेगा। मन शांत है। एक बहुत बड़े महात्मा हो गए, उन्होंने आयुर्वेद पर बहुत ही सुंदर विचार लिखे हैं। स्वयं वो अंधे थे, उन्होंने लिखे। वो लिखते हैं कि 95% से भी ज्यादा बीमारियों का कारण केवल मन की अस्थिरता, बाकी कुछ नहीं। आप कितना भी योगा करो, आप कितना भी ये मत खाओ वो मत खाओ करते रहो, मन यदि आपका शांत है तो बाकी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि मन से ही सब शुरू होता है। देखो, तो मन हो गया कंटेनर, और मन के अंदर में प्राण और अन्नमय कोश है। अब ध्यान से सुनना, इस मन रूपी बर्तन में प्राणमय और अन्नमय कोश है, तो जहां ये देह और प्राण चले गए उतने भाग में अपने मन ने उस देह का आकार धारण कर लिया, और फिर वहां से एक व्यक्तित्व का जन्म हो जाता है कि ये देह मैं हूं, वो देह मैं नहीं हूं। और जहां गहरी नींद में आनंदमय कोश में हम रहते हैं, उस समय हमने देह के आकार का त्याग कर दिया होता है, और इसलिए आनंदमय कोश में या गहरी नींद में सभी आकार खत्म हो गए, फिर ना तू है ना मैं है। इसीलिए आनंदमय कोश से ही ये सब निकलता है। इसीलिए सबका सब अपने अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। बाह्यम न विद्यते किंचित बोध स्फुरति बाह्यवत,
लेकिन ऐसे लगता है कि ये बाहर है, ये जो लगना है ना बाहर का, यहीं से संसार शुरू होता है। आपको संसार समझना है एक वाक्य में, तो संसार क्या है? जिस अनुभूति में अंदर और बाहर के अनुभव को सत्य माना है उसको संसार कहते हैं। ये मेरे घर के अंदर मत आना, अंदर बाहर संसार शुरू। देह के अंदर मैं हूं, दुनिया बाहर है, संसार शुरू। और जहां हम गहरी नींद में खर्राटे मारते हैं वहां देहात्म भाव खत्म हो गया, तो हम अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, हम है मात्र। ये अंदर बाहर की जो कल्पना है यही से संसार शुरू होता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् मा आत्मनि मायया बहिरिवोद्भूतम यथा निद्रया। जैसे दर्पण के अंदर में प्रतिबिंब, ऐसे लगता है कि वो अंदर है लेकिन अंदर नहीं है, प्रतीति मात्र है। इसी प्रकार से यह जो जगत है ऐसे लगता है कि जगत मेरे से बाहर है, यह संपूर्ण जगत मुझ में ही एकदम दर्पण में प्रतिबिंब के जैसा प्रतीत हो रहा है। तो क्या साधना करें? दर्पण जिस प्रकार से प्रतिबिंब से प्रभावित नहीं होता वैसी अपनी साधना है। फिर जगत के देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनसे प्रभावित होने का जो स्वभाव पड़ा है उसको बदलो, जो जैसा है ठीक है। यही सिद्धांत लेकर के हम पूरे दुनिया में घूमते हैं, जहां भी गए गिनती शुरू। आज सुबह जब मैं उठा तो अपनी बैग पैक करने लग गया। मैंने मैं बैग क्यों पैक कर रहा हूँ, यहाँ से बेंगलोर जाना है, अभी तो एक ही दिन हुआ यहाँ। अरे मुझे लगा 8 दिन हो गए, निकलना है यहाँ, रहना नहीं है कहीं, काउंटडाउन। लेकिन हमको लगता है यहाँ हम आ गए हमेशा के लिए। देखो जीवन में इतना परिवर्तन आ जाता है, ये तो फंसे है इसी चक्कर में। सो बाह्यम न विद्यते किंचित बोध स्फुरति बाह्यवत उदेति बोध हृदयात बीज दीव वरद्रुमः। और फिर इसी गलत फहमी से संपूर्ण जगत का निर्माण होता है। बोधस्यांतरिदं विश्वं स्थितमेव रघुद्वः देश काल क्रिया द्रव्य संपत्योदेति भावना। इसीलिए हे रघुद्वः, हे रघुकुलोत्पन्न, हे राम, बोधस्य अंतर इदं विश्वं स्थितम्, इसी शुद्ध चिन्मय सत्ता में ही यह संपूर्ण विश्व निहित है। इसीलिए हम जो आपको कहते हैं ना, आप चाहो या न चाहो, आप जानो या न जानो, आप साक्षात परमात्मा स्वरूप हो। दिस इज टू मच। हाँ, अच्छा आप बेवकूफ हो, हाँ आप एट होम लगता है। देखो महाराज, शास्त्र जो बताते हैं उसको हम स्वीकार नहीं करते, और जो दुनिया बताती है उसको स्वीकार करते हैं। अब कौन हमको मदद कर सकता है? इसीलिए ये दो सिद्धांत हम आपको हजारों बार बता चुके हैं। आध्यात्मिक साधना का केवल दो ही तात्पर्य है, बाकी सब अनावश्यक है। पहला तात्पर्य देहात्म भाव से निवृत्ति, और दूसरी बात जीवात्म भाव के भ्रांति का निराकरण। यदि ये दो बातें हो रही हो तो आप अध्यात्म के मार्ग पर हो, नहीं तो लग जाओ समाज सेवा करने में, दुनिया का भला करो, अपना सत्यानाश तो कर लिया, दुनिया का भला करने चले। देखो महाराज, तो बोधस्य अंतरिदम विश्वम, संपूर्ण विश्व केवल इसी चिन्मय सत्ता में है। ये समझने के लिए शुरू कर दीजिए आकाश से। हम भले कहे कि भारत के ऊपर में जो आकाश है वो भारतीय आकाश है,
उसके बाद चाइना के ऊपर जो आकाश है वो चाइनीज आकाश है, और फिर पृथ्वी घूम रही है, तो क्या भारतीय आकाश भी घूम रहा हो उसके साथ? देखो, जैसे आकाश स्थिर है उसमें सब चलन वलन हो रहा है, लेकिन उसके द्वारा आकाश प्रभावित नहीं। इसी प्रकार से हम जो चिदाकाश है, इसमें यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये चल रहा है, लेकिन हम पर इसका कोई प्रभाव नहीं। और यह जो चिदाकाश है, ये भूताकाश के जैसा खालीपन नहीं है, सॉलिड है, क्योंकि इसके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। तो इस सॉलिड स्पेस में ये संपूर्ण जगत अव्यक्त है, व्यक्त है। जैसे सभी आभूषणों के लिए सुवर्ण सॉलिड स्पेस है, आभूषण बाहर से नहीं आते, अंदर से ही आते हैं। सभी लहरों के लिए समुद्र सॉलिड स्पेस है, क्योंकि लहरें बाहर से नहीं आती, फिर कहां से आती है? अंदर ही थी लेकिन अव्यक्त थी। देखो महाराज, ये सूक्ष्मता जब चिंतन की बढ़ती है ना, तब जाकर के इन अर्थों, इन सिद्धांतों का अर्थ धीरे धीरे प्रकट होने लग जाता है हृदय में। सो बोधस्यांतरिदं विश्वं स्थितमेव रघुद्वः देश काल क्रिया द्रव्य संपत्ति उदेति भावना। और फिर इसी एक शुद्ध चैतन्य में, शुद्ध चिन्मय सत्ता में देश काल क्रिया द्रव्य इत्यादि इसकी कल्पना शुरू हो जाती है। और फिर इसी कल्पना से द्यौ क्षमा वायु आकाश सर्वतो सरितो दिशः संकल्पक चितम सर्वम एवं स्वप्नवदात्मना। और फिर इसी शुद्ध चिन्मय सत्ता में यह जो संपूर्ण विश्व है, सभी पंच महाभूत आकाश पर्वत नदी सभी के सभी दिशा, ये सब का सब केवल मन का संकल्प स्फुरण मात्र है। कल शायद हमने आपको बताया था, ये जो आर्किटेक्ट लोग कुछ करते हैं या जो पेंटर्स पेंटिंग करते हैं, तो पहले वो कहाँ होता है? उनके ही अंदर है, और फिर धीरे धीरे बाहर आने लग जाता है। अब अपने अंदर देखो, जो वैखरी वाणी में बोला जाता है पहले वो मन में होता है, और मन में वो अव्यक्त रूप में है। जब वो व्यक्त हो गया तो वैखरी वाणी, मन में वो है लेकिन व्यक्त करने की हिम्मत नहीं है, तो फिर वो रहेगा मध्यमा वाणी में। फिर ऐसे आदमी अपने आप से बातें करते रहते, क्या सोच रहे? नहीं कुछ नहीं, अंदर में तूफान चल रहा था। तो एक ही मन जब स्थूल रूप से प्रकट हो गया तो वैखरी वाणी, वही मन सूक्ष्म रूप से प्रकट हो गया तो मध्यमा वाणी, वही मन अभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ तो वही पश्यंती वाणी, और मन जब प्रकट नहीं हो गया तो वही परावाणी, वही शुद्ध चिन्मय सत्ता। देखो कैसा पूरा अंदर से बाहर आया, बाहर से अंदर गया। मई एव सकलम जातम, मई सर्वम प्रतिष्ठितम, मई सर्वम लयम याति, तद ब्रह्माद्वयम अस्मि अहम्। इसमें सबसे सुंदर बात यह है कि आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन जिसको कुछ करने का रोग है फिर क्या करेंगे? फिर चलो मंदिर में जाते हैं, चक्कर काटते हैं, भगवान का प्रेशर डालेंगे और अपनी बात मनवाएंगे। देखो तो द्यौ क्षमा वायुराकाशम पर्वता सरितो दिशः संकल्पक चितम सर्वम एवं स्वप्नवदात्मना। तो जैसे स्वप्न में सबका सब अपना मन ही होता है, वैसे बाहर जगत भी।
धारा कणोर्नी फेण शरीर यथा सम नक्षतेम्भसः तथा विचित्र विभावः नाना तेयम् हि चेतसा। जैसे एक ही पानी जो बहाव की धारा है, वही भिन्न प्रकार के कण है, वही उर्मी माने लहरें हैं, वही सब कुछ है। इसी प्रकार से एक ही शुद्ध चिन्मय सत्ता इस संपूर्ण विश्व के रूप में प्रकट हो रही है। अब ये कैसे पता चले कि हम लोग ठीक से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जितना आप अपने स्वरूप के पास पहुंचोगे उतना आप पर जगत का प्रभाव पड़ना कम हो जाएगा। जगत का प्रभाव दो प्रकार से होता है, एक है राग, दूसरा है द्वेष। दोनों को इकट्ठा कर लो तो कहो कामना या इच्छा या काम। जितना परिपूर्ण के पास है अपूर्णता का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ये जो आपकी स्थिति है ना इस समय, ऐसी स्थिति 24 घंटे रहती है। जगत का व्यवहार चल रहा है सब कुछ, लेकिन स्थिति में खोट नहीं आती। जैसे आकाश में सब कुछ हो रहा है लेकिन आकाश पर कोई प्रभाव नहीं उसका। और ये रोज का अपना अनुभव है, केवल हम उसको अभी पहचानते नहीं। जैसे आंखें कितने रूप रंग को देखती है प्रभावित नहीं होती, इसमें करना क्या है? मन में अच्छे बुरे विचार आते हैं, मन प्रभावित नहीं होता, इसमें करना क्या है? मेडिटेशन करना है, करो। समझदारी से जीने को साधना कहते हैं। तो व्यक्तिरिक्ता यथा हेमनो न हेम वनिता तथा जागर स्वप्न क्रिया लक्ष्मीर व्यक्तिरिक्ता न चेतसा। व्यतिरिक्ता यथा हेमनो हो न हेम वनिता यथा, जैसे किसी ने सोने की एक लड़की बनाई, बड़ी सुंदर है, लेकिन वो सोने से अलग थोड़ी है, सोना ही है, लड़की के रूप में प्रकट कर दिया। इसी प्रकार से यह जागृत स्वप्न क्रिया लक्ष्मी व्यतिरिक्ता न चेतसहा, इसी प्रकार से ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब का सब ये केवल मन का ही विजृंभण है। अभी तक दो बातें हुई, एक तो हम मन की बात कर रहे हैं, दूसरी शुद्ध चेतन सत्ता की बात कर रहे हैं। चेतन सत्ता ही मन के रूप में प्रकट होने के बाद ये संसार निर्माण होता है। जहां ये चेतन सत्ता मन के रूप में प्रकट हुई और वो संसार प्रकट हुआ, लेकिन उसके द्वारा हम प्रभावित नहीं हुए, तो हमारा आइडेंटिफिकेशन चिन्मय सत्ता के साथ था। शादी करी और फिर घर में बहू आ गई, बहू आने के बाद ये जो सास है अब इसका चक्कर शुरू हो जाता है। देखो शादी के बाद ये मेरे को देखता तक नहीं, पहले हमेशा मम्मी मम्मी करता था। अरे उस समय उसको दूसरा कोई चॉइस नहीं था, अभी उसको चॉइस मिल गया है, अब बुढ़ाओं के पास कौन जाएगा? और दूसरी महत्व की बात, इस बच्चे को क्या ये सिद्ध करना पड़ेगा माँ के सामने कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ? यदि कोई माँ ये एक्सपेक्टेशन करती है कि लड़का सिद्ध करके दिखाए मैं उसे प्रेम करता हूं, तो वो माँ माँ नहीं है। उस लड़के की परेशानी देखो, उसको ये सिद्ध करना पड़ता है उस बेवकूफ पत्नी के सामने कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन ये माताएं समझ में नहीं आती। और फिर बेचारा वो पति या लड़का जो है वो कैंची के दो ब्लेडों के बीच में आ गया, ऊपर से पत्नी नीचे से माँ, खटाकर रोज का रोज धंधा शुरू। संसार देखो, और ये इसीलिए होता है कि हमने इस जगत को सत्य माना है। तो जागृत स्वप्न क्रिया लक्ष्मी व्यतिरिक्ता न चेतसा,
तो फिर हम कहते हैं देखो स्वामी जी जो मेरा लड़का है ना अब तो पूरा अपने ससुराल का हो गया, उसको तो मेरी जरूरत भी नहीं है। तो अच्छी बात है ना, इफ ही इज हैप्पी ही शुड बी हैप्पी। यदि लड़का पत्नी का गुलाम होकर के सुखी रहता है तो तुमको क्यों दुख हो रहा है? तुम अपने पति को गुलाम बना, वो तो बना लिया है। कहां फंसे हो महाराज, निकल जाओ इस चक्कर से। अच्छा, यदंतः स्वप्न संकल्प पुरम न किंचन पुरम न कचनम चिते हे तदेत बाह्य नाम नैव स्वभ्यासार सत्स्फुटम स्थितम। जिस प्रकार से हमारे मन में जो भिन्न भिन्न कल्पनाओं के कारण स्वप्न निर्माण होते हैं, वो स्वप्न भी उसी चैतन्य में प्रकाशित हो रहे हैं, उसी प्रकार से यह जो बाहर का जगत है तदेत बाह्य नाम नैव, जिसको हम बाहर कहते हैं, वो भी शुद्ध चैतन्य में ही है। कल आपको बताया था केवल शुद्ध चैतन्य का ही चैतन्य से संपर्क होकर के ज्ञान होता है, जड़ जड़ का ज्ञान नहीं होता, जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होता। हमने आपको कल एक शब्द बताया था दृश्य अवच्छिन्न चैतन्य और दृष्टु अवच्छिन्न चैतन्य, ये दोनों एक हो जाते हैं तब ज्ञान होता है। माने एक ही चिन्मय सत्ता दो प्रकार से प्रकट हो रही है, एक दृश्य रूप से और दूसरा दृष्टा रूप से, और ये भेद उपाधि के कारण है। जो दृश्य पदार्थ है उसमें चेतन सत्ता चेतन सत्ता जो है मन के रूप में प्रकट नहीं हो पा रही है, और दूसरे उपाधि में वही चेतन सत्ता मन के रूप में प्रकट हो पा रही है। इसीलिए एक जगह की चेतन सत्ता मन के रूप में और दूसरे जगह की मन के नहीं के रूप में, एनोड और कैथोड दोनों इकट्ठा आ गए तब ज्ञान हो जाता है। इसीलिए यह संपूर्ण केवल चिन्मय सत्ता में ही प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसको हमने अलग कर लिया क्योंकि प्रैक्टिस के द्वारा और कुछ नहीं। यदि कोई चीज हमने प्रैक्टिस से स्वीकार करी है तो उसको प्रैक्टिस से ही निकाला जा सकता है। अच्छा, यहाँ तक होने के बाद अब ये जो दुनिया है, दुनिया के एक एक चीज को लेते हैं। अब देश, ये स्पेस जिसको कहते हैं, देश क्या है? चिदरणुर यत्र भातोसौ देशो मिति उपागतः यदा भातस्तदा कालो यद्भानम तत्क्रियास्मृता। तीन चीजें बड़ी सुंदर बताई है। चिद अणु यत्र भातः असौ, जब जो अखंड है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस अखंड ब्रह्म में जब एक केवल अंश की कल्पना करी जाती है, अणु जिसको कहते हैं, ये अणु शब्द जैन फिलॉसफी में आता है, जीव को वहां अणु कहते हैं। यह जो अणु है, जहां अणु का भान हो गया वहां देश निर्माण हो गया। देखो गहरी नींद में कहां होते हैं हम, वहां देश है ही नहीं, और ये अणु कैसा निर्माण हो गया, देह के साथ तादाद में हो गया। तो कहते हैं पहले चिद अणु यत्र भातः, जहां हमारा देह के साथ तादाद में हो गया तो एक व्यक्ति का निर्माण हो गया। फिर देशों इति उपागतः, फिर प्रश्न आता है मैं कहां हूं, मैं बंबई में हूं। तो यह स्थान निर्माण होता है जहां यह अनंत चैतन्य की आइडेंटिफिकेशन देह के साथ हो गई, तो स्पेस निर्माण हो गई। फिर यदा भातः सदा कालो, फिर जहां देश निर्माण हो गया वहां काल निर्माण हो गया। अब अपना अनुभव देखो रोज का, हमारा अनुभव हम आपको बताते हैं, हम घूमते रहते हैं ना तो याद ही नहीं रहता हम कहां हैं, रात को उठे पता ही नहीं कहां है, और फिर दूसरी बात कितना बजा है टाइम। तो पहले देश का भान, फिर काल का भान। और देश और काल क्या है, बड़ी सुंदर बात है। देश वो है, स्पेस वो है जो किसी प्रकार का, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो स्थिर है, जिसमें गति नहीं है वो आकाश है, और जिसमें गति है वो काल है।
काल को यदि स्थिर करो तो देश काल दोनों डिजॉल्व हो जाएंगे और शुद्ध चैतन्य बचा रहेगा। और इसीलिए हमको बताते हैं, यदि आप अपने भूतकाल के बातों को ड्रॉप कर दो, भविष्य की चिंता छोड़ दो, तो आप सहज वर्तमान में रहोगे। जितना वर्तमान में रहोगे उतना स्वरूप के पास हो। और काल क्या है? गति है। तो जहां देह के साथ आध्यात्म हो गया, अणु हो गए, देश का जन्म हो गया, उसके पश्चात तुरंत उसके साथ काल आ गया। जो चाइनीज या जैन फिलोसॉफी में आते हैं ना, दो, एक काल काला होता है और एक सफेद होता है मछली के जैसा, यही है कंप्यूटर की भाषा में जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, जीरो एंड वन। जीरो आकाश है, वन जो है वो गति है। एक के बाद एक, दो तीन चार पांच छह, गति शुरू हो गई, दोनों इकट्ठे हो गए, एकदम सब गायब। तो यदा भात सदा काल, यद भानम तत्क्रिया स्मृता। और जहां ये भान हो गया देश काल का, किसके बाद तीसरा अनुभव आता है, अब मुझे क्या करना है। तो देश काल क्रिया ये तीनों के तीनों तब निर्माण होते हैं जहां हमारा किसी परिच्छिन्नता के साथ तादात्म्य हो गया। हमारा किसी एक घर के साथ तादाद में, ये कथा आती है एक जगह में, भगवान वशिष्ठ जी सत्संग कर रहे थे और सत्संग के लिए जनक राजा भी आने वाले थे, लेकिन वो थोड़े लेट हो गए। बाकी हमारे जैसे बाबा जी लोग फ्री में रहने वाले लंगोटी पहन करके वहाँ बैठे, अब ये शुरू ही नहीं कर रहे सत्संग। तो बाबा जी ने, महाराज सत्संग का समय हो गया। हाँ समय हो गया, लेकिन अभी जनक जी नहीं आए, थोड़े रुक जाते हैं। तो बाबा जी को खुश खुश शुरू हो गया, देखो जनक राजा है ना, इसलिए उसके लिए वेट कर रहे हैं, हम लेट आते तो वेट करते हैं क्या। ये महात्मा लोग ऐसे ही होते हैं। अब ये क्या, जनक ये वशिष्ठ जी को पता नहीं क्या क्या हो रहा है? वो तो लिफाफा देख करके मजकूर पढ़ लेते थे। तो थोड़ी देर के बाद जनक जी आए, ले हाँ अब सत्संग शुरू करते हैं। और फिर सत्संग शुरू किया ही, प्रार्थना इत्यादि हो गई और फिर उन्होंने अपनी योग शक्ति से सब जगह आग लग गई है ऐसा दृश्य निर्माण किया और कहा देखो देखो आग लग गई, जहां बचाओ अपनी चीजों को। सब के सब बाबा जी लोग अपने लंगोटी को पकड़ने के लिए भाग गए और जनक महाराज वहां के वहां है, वो नहीं हटे। और सब जब वहां ये लोग गए, देखा वहां कुछ आग वगैरह थी नहीं, वापस आ गए, धन्यवाद वहां आग नहीं थी, पता नहीं कैसे लग गए थे आग लग गई करके, हमने भी देखा था। जनक जी नहीं गए, बोले नहीं गए, क्यों? बोले यहां जब आ गए तो कुछ भी नहीं है। देखो जब तक के जगत को सत्य मानोगे तब तक दिल्ली अभी बहुत दूर है, ये जगत हमेशा ऐसा ही रहा है, इसमें कुछ न्याय नहीं हुआ आज तक। कितने आके चले गए कि हमको लगता है कि कौन्योस्ति सदृशो मया, मैं ये करता हूं मैं ये करती हूं, मैंने ये किया मैंने वो किया। देखो तो कहते हैं यदा भातः कालो यद भानम तत्क्रिया, फिर वहां क्रिया निर्माण हो गई। मनोरथे यथा स्वप्ने संकल्प कल्पना कलनासुच गोष्पदम योजन व्यूह श्वासो लीलासु चेतसा। जैसे सपने में मनोरथ होते ही, सपने में या मनोरथ में कल्पना जो करते हैं उसमें कैसा है, संकल्प कलना सुच गोष्पदम योजन व्यूह, कल्पना करते हैं कि यहाँ से वहां जाने में कितना कितना दूर होगा, क्या होगा। मन की कल्पना अलग होती है, वास्तविकता अलग होती है। सपने में हम कहाँ कहाँ से घूम के आते हैं, दो क्षण में सब दुनिया घूम के आए,
तो यह जो कल्पना है काल की, ये केवल मन का प्रक्षेपण है। जो व्यक्ति कोमा में होता है, उस कोमा के आदमी को देख करके ये सीखना है हमको, जो कोमा में होता है उसके लिए देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति पांच चीजों का अभाव होता है, लेकिन वो जिंदा है। सवाल यही है, उसको ये मालूम नहीं हो रहा कि देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इसका प्रभाव मुझ पर नहीं हो रहा है, ये उसको मालूम नहीं होता। जो जीवन मुक्त पुरुष है उनको ये सब मालूम है कि देश है, काल है, वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, लेकिन किसी का भी उन पर प्रभाव नहीं होता। दोनों की एक ही स्थिति है, एक जानता है दूसरा नहीं जानता, नहीं जानने वाला जड़ है, जानने वाला जीवन मुक्त है। देखो, इसीलिए गोष्पदम योजन व्यूह श्वासो लीलासु चेतसा। तो कितना भी लंबा डिस्टेंस हो ऐसे लगता है एक मिनट में आ गए घूम घाम करके। न देश काल दीर्घत्वम, देखो टाइम और स्पेस ये लंबा नहीं होता, ये मन की कल्पना होती है। यहां से आकाश आगे की ओर देखो तो कितना गहरा है मुझे नहीं मालूम। अपने सर के ऊपर आकाश देखो कितना गहरा है नहीं मालूम। इसलिए मालूम नहीं है कि है ही नहीं। जो नहीं है उसको कैसा जानोगे आप? तो ध्यान से सुनना, आप अनेक हो, आपके अनेकता के तरफ तो हमारा ध्यान जा रहा है, लेकिन ये अनेकता किस कारण से हो रही है? क्योंकि इन अनेकों के बीच में एक आकाश है। यदि आकाश नहीं हो तो अनेकता नहीं होती, लेकिन हमारा ध्यान अनेकता की तरफ जाने के कारण जो एक तत्व है इसको हम एकदम नहीं पहचान पाते। यदि हमारा ध्यान आकाश की तरफ गया तो अनेकता गायब हो गई। अनेकता गायब हो गई तो आप वापस लौट आए। तो जो अभाव में है वो हम है। यदि इस अभाव में होने वाले को हमने ठीक से पहचान लिया तो उसका प्रभाव का क्या होगा? जो भाव अभाव इन दोनों का प्रकाशक है वो भाव अभाव के परे है। इसीलिए वस्तु की उपलब्धि होना या नहीं होना दोनों समान है, क्योंकि दोनों का प्रकाशक मैं ही हूं। तो पहले भाव माने जगत से उपरत हो गए, फिर जगत के अभाव को ग्रहण किया, फिर जगत के अभाव के द्वारा भी प्रभावित नहीं हुए, तो फिर भाव अभाव इनके परे गए, यही अपना स्वरूप है। तो जागृत स्वप्न भावात्मक है, सुषुप्ति समाधि अभावात्मक है, इन चारों का अनुभव प्रकाशन हम ही करते हैं। तो हम कौन है फिर? देखो संतो, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाणी अपने आप वापस लौट के आती है। इसीलिए पहले शब्द से हटकर के शांति में पहुंचो, लेकिन शांति में फंसो मत। शांति शब्द की विरोधी है। हमारा स्वरूप किसी का विरोध नहीं करता। जो निर्विरोध सत्ता है वो हम है। शब्द को भी प्रकाशित कर रहे हैं, शब्द के अभाव को भी प्रकाशित कर रहे हैं। या तो हम शब्दों में फंस जाते हैं या तो हम शांति में फंस जाते हैं। दोनों के परे चले जाना माने क्या? सत्संग सुनना। शब्द हो रहे हैं, किन कौन सुन रहा है?
और हमने अपने मन को निर्विषय रखने का कभी अभ्यास ही नहीं कराया। मन हमेशा कोई ना कोई विषय को धारण करके रहता। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, लय विक्षेपयो हो संधौ मनस्तत्र निरामिषम स संधि साधितो येन स मुक्त नात्र संशयः। लय विक्षेपयो हो संधौ, मन में विचार आ गया विषयों का और विषय शांत हो गया, फिर दूसरा विचार आया फिर शांत हो गया, तो ये दो विक्षेपों के बीच में जो संधि है, तत्र मनहा निरामिषम, वहां मन निर्विषय होता है। स संधि साधितो येन, जो इस संधि में निष्ठावान हो गया है, माने जिसका मन अब विषयों के प्रभाव से मुक्त हो गया है। विषय केवल पांच, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांच विषयों में से सबको हम नियंत्रित कर सकते, शब्द को नहीं कर सकते, कान बंद नहीं कर सकते। जैसे हिप्पोपोटामस अपने कान बंद करता है ना पानी में जाने के समय, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो थोड़ा कहीं खड़खड़ हो गई तो विक्षेप आ गया, एकदम शांति हो गई तो डर आ गया। इसीलिए कई लोग जब ध्यान के लिए बैठते तो डरते हैं, क्योंकि मन को निर्विषय रखना ये साधना है, यही अभी गले उतरी नहीं बात। तो न देश काल दीर्घत्वम, आगे कहते देश कालाभिधानेन राम संकल्प एव हि कथ्यते तद्वशादे तस्मात् देश कालौ स्थितौ गतौ। इसीलिए हे राम, देश काल इत्यादि नाम से केवल संकल्प मात्र है, संकल्प ही कहता है देश है, संकल्प ही कहता है काल है। कथ्यते तद्वशादे तस्मात् देश कालौ स्थितौ गतौ, इसीलिए यह जो देश काल है ये केवल मन का संकल्प मात्र है। इसी को लेकर के आइंस्टीन की थियरी है, द थियरी ऑफ रिलेटिविटी, इफ यू आर इन ए गुड कंपनी फॉर 4 hours यू विल नॉट इवन नो हाउ 4 hours हैव गॉन, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड बट यू आर फोर्स टू बी देयर इवन 2 seconds नेवर पास। जैसे यहाँ जो अपने आप आए हैं वो मौज में है, जिनको रस्सी बांध के लाया गया चलो न, ये रस्सी से बांध के जो लाए है ना वो सफर हो रहे, कोई बात नहीं रस्सी छोड़ दो। सो कथ्यते तस्मात् एतस्मात् वशात् कालो स्थितिं गतौ यथेतत् प्रतिभा मात्रं जगत सर्वं अवभासनम तथैतत् प्रतिभा मात्रम क्षण कल्पावभासनम। इस प्रकार से यह केवल जगत और यह काल इत्यादि केवल प्रतीति मात्र है। प्रतीति माने जो दिखती है लेकिन होती नहीं। तीन स्थितियां बताते हैं, सत असत और मिथ्या। सत माने जो है, ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः, बड़ा सिंपल गणित है, जो है वो है जो नहीं है वो नहीं है। लेकिन तीसरी स्थिति आती है, न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है। देखो जैसे पृथ्वी पर ये जो क्या कहते हैं अक्षांश रेखांश जो कहते हैं लाइनें, वो कहां है? काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इनकी स्थिति कहाँ है? जब तक आप पृथ्वी पर हो तब तक, पृथ्वी से बाहर चले जाओ तो कौन सी पूर्व है कौन सी पश्चिम है। इसीलिए ये केवल काल्पनिक मात्र है, इसमें कोई सत्य नहीं है। सो प्रतिभा मात्रम, इसीलिए एक सिद्धांत पकड़ लो, क्योंकि हम किसी का अनुभव करते हैं इसका अर्थ ये नहीं कि वो सत्य है। बिल्कुल सरल बात है महाराज, जो हमको ये जगत दिखता है इसका अनुभव होता है, सॉलिड रियलिटी लगती है, तो सपना भी उतनी ही सॉलिड रियलिटी होती है।
स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सती मिथ्या भवे। जब सपना जलता है तो सत्यवत भाति, और जब सपना खत्म हो गया असत भवे, या कोई निसपना ही था। और उसी प्रकार से जागृत सपना जब तक चलता रहेगा तब तक के सत्यवत भाति प्रबोधे सती, जब स्वरूप में जग गए असत भवे, कुछ मतलब नहीं दुनिया से अपने आप। और ये ज्ञान होने के बाद फिर टाइम पास करने के लिए यहां जीना है। यदि मृत्यु की कल्पना आती है तो हमने अध्यात्म का कुछ किया ही नहीं। यदि मृत्यु की इच्छा होती है तो भी हमारा देहात्म भाव समाप्त नहीं हुआ। यदि बहुत लंबा जीने की इच्छा होती है तो भी देहात्म भाव समाप्त नहीं हुआ। मृत्यु और लंबा जीना दोनों का आधार देहात्म भाव है। और इसीलिए बुढ़ापे के लक्षण जो बताते हैं ना, पुरानी वस्तुओं को नहीं फेंकना, ये बुढ़ापे के लक्षण है। आप देखिए किसी भी बूढ़े के पास जाके देखो। एक लड़का था, मैंने कहा यार तेरी ये साइकिल इतनी घटिया, फेंक देना यार, नहीं ले ले अभी, बढ़िया रह गई। बोले नहीं स्वामी जी, ये साइकिल जो है ना, मेरे दादाजी जब क्विट इंडिया की मूवमेंट थी ना, तब उस पर इस पर बैठ के जाते थे, उसकी मुझे याद है। हमने क्या किया, वही साइकिल ही है, तो बदला नहीं क्या? नहीं, टायर बदले, ट्यूब बदले, उसके वो व्हील्स बदले, बीच में एक्सीडेंट हो गया तो उसका चेसिस बदला, लेकिन है वही। ये भी अपनी साइकिल सब बदला ही तो बदला है, लेकिन है वही। यही भ्रांति जो है इससे हमको ऊपर उठना है, पूरा जीवन इसी में चला जाएगा। देखो संतो, अच्छा, निमेषे यदि कल्पोगम संविदम परिविंदती निमेष एव तत् कल्पो भवत्यत्र संशयः। तो इसी कल्पना के कारण पूरा का पूरा जो जगत है इसका ये मूवमेंट साइकिल चल रही है। और इसी को लेकर के कहते हैं कि देखो, जो हम कहते हैं ना, इन चीजों को जरा समझदारी से ले लो। एक मिनट, एक दिन, एक हफ्ता, एक पखवाड़ा, एक महीना, फिर 10 महीने, 1 साल, 10 साल, 1000 साल, ये केवल काल की गणना है। काल नहीं है, काल आप स्वयं हो। काल के दो अर्थ है, हमने काल की गणना को ही काल समझ लिया है। जैसे लीटर, लीटर कोई वस्तु थोड़ी है, ये लीटर इज ए मेजरमेंट ऑफ लिक्विड्स। इसी प्रकार से ये घंटे, महीना, 2 महीना, साल, ये सब काल के नाप है, काल नहीं है ये। काल तो अखंड है, अनंत है, अनादि है, अविकारी है। और इसीलिए काल का चक्र होता है, काल सीधी लाइन नहीं है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, फिर सोम मंगल घूम रहा। और सरगम फरस आप ले लो तो सरगम फरस पर कौन सा बिंदु पहला है, कौन सा आखिरी है, एवरी पॉइंट इज द बिगिनिंग, एवरी पॉइंट इज द एंड। देखो, एक बार हम किसी के यहां थे और शायद वहां गुरुवार था, और इसीलिए बोले हमारे यहां गुरुवार को सब लोग व्रत करते हैं तो हम उपवास का खाते हैं। तो स्वामी जी आप, हमने कहा आज गुरुवार है ही नहीं, ना आज बुधवार है। नहीं नहीं स्वामी जी, नहीं बुधवार है। बोले कैसे गुरुवार, सभी सभी कहने दो, क्या फर्क पड़ता है। अब वो कंफ्यूज हो गए, कल्पना ही तो है मन की, आज गुरुवार है। मुझे बता क्या लॉजिक है आज गुरुवार है, कोई लॉजिक नहीं। नहीं कल बुधवार था इसलिए, ये कोई लॉजिक है। देखो यहां का गुरुवार हमारे अमेरिका का बुधवार होता है, फिर क्या करोगे। देखो संतो, खेलो, मौज में रहो, एक काम हो काम खाली पीली मत रखना। एकादशी करनी है, एकादशी टूट गई तो क्या करे, मरो, मरना भी नहीं आता। इसीलिए
कल्पे यदि निमेषत्वं वेत्ति कल्पत्यसौ ततः निमेषे भवति क्षिप्रम तादृग रूपात्मिका ही चित। हमने ही कल्पना कर ली है कि ये जगत का महाचक्र है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। और फिर कहते अभी कलियुग चल रहा है, जैसे आज थर्सडे है, आज गुरुवार है। क्या गुरुवार है? नहीं, इसके पहले द्वापर था। अच्छा, उसके पहले देखा भी है कोई था? तब कल्पना में भटक रहे हैं। देखो ये बातें मैं जो आपसे कर रहा हूं ना, ये बातें जब मैं अपना रोने धोने का सत्संग होता है ना, उसमें नहीं कर सकता मैं, वहां रोना ही पड़ता है। भगवान के दर्शन के लिए दर्शन दो घनश्याम नाथ, मुझे कैटरेक्ट हो गया। और रोते रहो, तबला बजाओ, पेटी बजाओ। देखो इसीलिए ये केवल अपने मन के संकल्प मात्र है। तो हमारा ही मन कहता कि बहुत लंबा हो गया यार, अब बंद करो। नहीं नहीं ना, अभी तो शुरू हुआ है, केवल मन की कल्पना है। कहते हैं दुखितस्य निशा कल्पा सुखितस्य विचक्षणः क्षण स्वप्ने भवेत् कल्पा कल्पश्च भवति क्षणः। दुखितस्य निशा कल्पः, जो दुखी है उसके लिए थोड़ा समय भी एक कल्प के जैसा है, पता नहीं कितने दिन तक ये दुख चलेगा। और जो सुखी है उसको टाइम ही पता नहीं चलता कैसे निकल गया। देखो क्योंकि ये दोनों मन की स्थितियां है। क्षण स्वप्ने भवेत् कल्पः, हमारा सपना थोड़े क्षण के लिए होता है, ऐसे लगता है पता नहीं कितने युगों से देख रहे हैं। एक बार हमने सपने से जगने के बाद चिंतन किया सपने का, उसमें हमको बड़ा आनंद आया। सपना ये था कि मैं समंदर के किनारे था, खड़ा था, उधर से एक बुढ़ाऊ आया और एक छोटे बच्चे की उंगली को पकड़ के आया, और वो दोनों चल रहे थे। बुढ़ाओ की तरह एक मुरझा हुआ था और छोटा बच्चा फुल ऑफ लाइफ। तो ये बच्चा कहता है अपने दादा को, दादा जी जल्दी चलो ने देखो। बोले बेटा क्या करोगे जल्दी जा करके, एक दिन हम सबको मरना ही है। अब बच्चे ने कहा दादाजी वो तो ठीक है, एक दिन मरना है, बाकी दिन तो जी सकते हैं ना, जियो ना। तो जब ये मैंने सपना देखा जग गया, तो फिर मेरा चिंतन शुरू हो गया। चिंतन ये शुरू हो गया, क्या मुझे सपना ऐसा दिखा क्या? पहले बच्चा पैदा हुआ, फिर उसका बच्चा पैदा हुआ, फिर ये दादाजी बन गए। नहीं, दादाजी की उम्र और इस पोते की उम्र सपने में एक ही थी, लेकिन क्योंकि दादाजी बड़े हैं, पोता छोटा है, तो वहां काल का निर्माण हो गया। दादाजी का जन्म पहले हो गया और पोते का जन्म बाद में हो गया। देखो इसी प्रकार से जैसे सपने में कोई लॉजिक नहीं है, वहां जागृत अवस्था में भी कोई लॉजिक नहीं है। कौन सा लॉजिक बताओ? हम अपने को देह मान के बैठते, क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं। तो जैसे स्वप्न पुरुष अपने को स्वप्न पुरुष मान करके सुखी दुखी होता है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, एग्जैक्टली वैसे ही जागृत अवस्था में हम अपने को देह मान करके जो कुछ बनते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? दोनों ही स्वप्न मात्र है। तो ये अपना सत्संग ये भी महासपन है। क्यों? सपने में दिखता है कुछ हो रहा है लेकिन होता कुछ नहीं। इसी प्रकार से यहां दिख रहा है कि आप सुन रहे हो, कोई नहीं सुन रहा। देखो तत्व चिंतन में दुखी होकर के कोई नहीं रह सकता। दुखितस्य निशा कल्पा सुखितस्य च क्षणः क्षण स्वप्ने भवेत् कल्पा कल्पश्च भवति क्षणः। इसीलिए समय कम ज्यादा छोटा मोटा केवल अपने मन की स्थिति पर है। रात्रि द्वादश वर्षाणि हरिश्चंद्रो अनुभूतवान लवणो भुक्तवान आयुः एक रात्र्या
असमाशतम, ये दो कहानियां आती है। हरिश्चंद्र एक रात को ही उसने 12 साल जीने का अनुभव किया था, उसी प्रकार से जो लवण ऋषि थे उन्होंने भी एक ही रात्र में 100 साल जीने का अनुभव किया था। यन मुहूर्तम प्रजेशस्य समनोर जीवितम मुनेः, जीवितम यद विरंचस्य तद्दिनम केवल चक्रिणः, विष्णोर यद जीवितम राम तद ऋषांकस्य वासरः, ध्यान प्रक्षीण चित्तस्य न दिनानि न च रात्रयः। ये जो भिन्न भिन्न काल के नाप आते हैं ना, ये ब्रह्मा जी की आयु इतनी है, विष्णु जी की इतनी है, रुद्र की इतनी है, ये भिन्न भिन्न आयु जो है ये केवल एक कल्पना मात्र है। और कहते ध्यान प्रक्षीण चित्तस्य, और जिसके मन, जिसने अपने मन को शांत कर लिया है उसके लिए ना दिन है ना रात है। तो सबका सब कहाँ है, केवल ये मनी राम का खेल चल रहा है महाराज। इस जगत में सीरियस होकर रहने की कोई बात नहीं है, किसी भी हालत में। इस प्रकार से रात्रि द्वादश वर्षाणि हरिश्चंद्रे तथा यवोर कांता विरहणाम एकम वासरम वत्सराय थे, इसको मैं स्वीकार नहीं करता। पहले उदाहरण देते हैं, रात्रि द्वादश वर्षाणि हरिश्चंद्रे तथा ही अभूत। रात एक ही रात में हरिश्चंद्र ने 12 साल जीने का अनुभव किया था। उसी प्रकार से जब किसी की पत्नी अपने मायके चले जाती है तो वो समय उसको लगता है कि कितने सालों से गई हुई है, ये मैं स्वीकार नहीं करता। अब ये लिखा गया था त्रेता युग में, अब है कलयुग। अब तो कहते अच्छा हो गया, इतने जल्दी आ गए, नहीं एक साल हो गया, साल हो गया। ओम पूर्णवदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।